गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं उज्जवल शुक्ला, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल उज्जवल कॉमर्स के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कुछ नया, जो कि आपकी यूनिट 5 के कुछ लास्ट फ्यू टॉपिक्स बचे हुए हैं, उन्हें कंप्लीट करना जरूरी है ताकि आपका सिलेबस जल्द से जल्द कम्प्लीट हो और आप अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी भी कर पाए। क्योंकि खैर एनीवेज वो फिलोसफिकल बातें हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो मेन चीज है, आज जो टॉपिक लेके चल रहा हूं वो है क्वालिटी सर्कल्स। इसका इन्वेंशन भी हमारे विलियम एडवर्ड डेमिंग्स ने किया था, जिसका मैंने जिनके बारे में मैंने इनके पॉइंट जो कि डेमिंग्स 14 मैनेजमेंट पॉइंट से जो मैंने आपको समझाया भी था मेरे पिछले वीडियो में, तो उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था। और इस पर्टिकुलर साइकिल का भी इन्वेंशन विलियम एडवर्ड डेमिंग्स ने ही किया था, क्योंकि वो अपनी फील्ड में मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी थे, इंजीनियर भी थे, प्रोफेसर भी थे, और भी बहुत सारे रोल्स उन्होंने निभाए। ठीक है, नाउ लेट्स सी The quality circles as a concept. तो सबसे पहली चीज, a quality control circle is a group of workers who do the same work. ये मेन है कि एक ग्रुप ऑफ वर्कर है जो कि सेम काम करते हैं, ठीक है, who meet regularly to identify, analyze and solve work related problems. यानी ये वो लोग हैं जो कि रोज आपके फैक्ट्री premises में आते हैं, मिलते हैं, ठीक है, आपस में काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको खोजते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि क्यों हुई, क्या रीजन था, ये सारी चीजें देखते हैं, ठीक। और फिर है मेन है जो क्वालिटी सर्कल है ये मिनिमम 3 और मैक्सिमम 12 मेंबर से मिलकर के बनता है, ठीक, याद रहे क्या कितना है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 12 मेंबर से मिलकर के बनता है, ठीक है। जनरली नॉर्मली ये स्मॉल इन साइज यानी छोटा होता है आकार में, ठीक, और बेसिकली अगर छोटा है तो ऑब्वियसली बात है कि इसको कौन सुपरवाइज करेगा, कौन इसको लीड करेगा, सुपरवाइजर या मैनेजर, ठीक। और सुपरवाइजर मैनेजर को छोड़ करके 3 लोग होते हैं, ठीक है, यानी 3 लोगों का ग्रुप बनेगा क्वालिटी सर्कल का, और उसमें चौथा बंदा सुपरवाइजर या मैनेजर होगा, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं, ये चारों लोग मिलकर के अपना जो सोल्यूशन है उसे प्रेजेंट करते हैं, किसको, मैनेजमेंट को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं कि सर ऐसी दिक्कतें हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर है वेर पॉसिबल, मतलब जहां तक भी पॉसिबल है, मुमकिन है, वर्कर्स इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशंस देमसेल्फ, यानी जो भी सॉल्यूशन वो लोग निकालते हैं वो खुद ही, मतलब सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन होता है, खुद से कर सकते हैं और करते हैं। और दूसरी बात, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए और एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, ठीक। तो अगर आप सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं अपने सॉल्यूशंस का, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है, किसी एक्सटर्नल फोर्स को जरूरत ही नहीं है कि वो आपके इम्प्लीमेंटेशन में आपकी हेल्प करे या आपके ऊपर एक प्रेशर डाले। इट्स बेटर टू सेल्फ इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस यू हैव ब्रिंग आउट फ्रॉम दी ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, ठीक है। तो ये तो था मेन इसका कंसेप्चुअल पार्ट। अब आइए बात करते हैं इसके उस पर्टिकुलर डायग्राम की जिसपे एग्जैक्टली ये बेस करता है क्वालिटी सर्कल, ठीक है, जिसको प्रोपाउंड किया था किसने, विलियम एडवर्ड डेमिंग्स ने, ठीक है। स्टे ट्यून फॉर दैट डायग्राम। बात करते हैं उस डायग्राम की जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा की थी, तो वो ये है वो डायग्राम जो कि विलियम एडवर्ड डेमिंग्स ने प्रोपाउंड किया था, ठीक है। तो सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, भाई कि हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद उस पर आगे बढ़ेंगे। सेकेंड है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, कि अगर होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक, कई सारी प्रॉब्लम्स एक साथ क्रॉप अप होती है, तो होता क्या है, हमें ये देखना है अपने प्रायोरिटी बेसिस पे कि हम किस प्रॉब्लम को पहले सेलेक्ट करें और किसको बाद में, ठीक। तीसरा है रिविजन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की सिलेक्शन के बाद उसको रिवाइज करना, मतलब उसको देखना कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना ज्यादा वो खतरनाक है, या अगर उसको हमने इग्नोर किया तो हमारे लिए क्या नुकसान हो सकता है हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है। चौथा है रिकमेंडेड सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, रिकमेंडेड सिलेक्शन का मतलब है कि इसमें हम एक वो बनाते हैं रिकमेंडेशन पैरामीटर बना लेते हैं कि हाँ कि हम इस प्रॉब्लम को पहले उठाएंगे, इस प्रॉब्लम को बाद में उठाएंगे, इस प्रॉब्लम को फिर और बाद में उठाएंगे। ये एक प्रोसीजर है, इसका मेन पर्पस ये है कि अगर हमारी जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज्ड प्रॉब्लम है, यानी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, हम उसको पहले देखेंगे, ठीक, क्योंकि हो सकता है उस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम की वजह से हमें आगे लॉस सफर करना पड़े, ठीक। वो हो गया। अगला है रिविजन ऑफ द डिसीजन, यानी
रिकमेंडेड सिलेक्शन के बाद हमारी सबसे चीज इम्पोर्टेंट है वो है डिसीजन का रिव्यू करना कि हमने जो डिसीजन लिया वो किस हद तक सही है और किस हद तक हमें प्रॉफिट गेमिंग हो सकता है। ठीक। और लास्ट है अल्टीमेट यानी डिसीजन मेकिंग जो हमारे सामने एक आउटकम के फॉर्म में होगा कि हाँ हमें इस प्रॉब्लम पे काम करना है और हम इसी प्रॉब्लम पे आगे काम करेंगे। ठीक है। तो ये तो था वो पर्टिकुलर क्वालिटी साइकिल का डायग्राम। अब आइए बात करते हैं इसके थोड़े से एक और टेक्निकलिटी पे कि एग्जैक्टली क्वालिटी सर्कल्स एग्जैक्टली मतलब मेन उनका कोर वर्क है वो करते क्या। ठीक। लेट्स सी दैट। बात करते हैं उन टिपिकल टॉपिक्स की जिन पे क्वालिटी सर्कल का टेंशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ टॉपिक लिखा भी है कि टिपिकल टॉपिक्स फॉर द टेंशन ऑफ क्वालिटी सर्कल्स। तो तीन पॉइंट्स है मेन। सबसे पहला इम्प्रूविंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इम्प्रूविंग प्रोडक्ट डिजाइन एंड इम्प्रूवमेंट इन द वर्क प्लेस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इन कुछ मेन टॉपिक्स पे आपके क्वालिटी सर्कल्स का प्राइम अटेंशन होता है ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा स्मूथ गोइंग और ज्यादा वेल कॉम्पिटेटिव बना सके। ठीक। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का मतलब है मेन कि जो बंदा वहां पे आ रहा है रिक्रूट या जो भी उसका वर्क नेचर है उसके अकॉर्डिंग उसको सेफ्टी मिले। यहाँ पे दो सेफ्टी है। पहला एक सेफ्टी है वर्क प्लेस की सेफ्टी कि वहां पे कोई एक्सीडेंट ना होने पाए। दूसरी है सेफ्टी है जॉब सिक्योरिटी की कि आपको हमेशा ये डर ना रहे कि हम अगर कुछ गलत करेंगे या इकोनॉमिक क्रंच आता है तो हमें उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक। इस चीज को भी क्वालिटी सर्कल्स अश्योर करते हैं। ठीक है। फिर है प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन में मेन है कि आपका प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए मैं पार्ले जी को ही ले लेता हूँ। पार्ले जी आज मतलब पार्ले जी कब से चला रहा है, जब से मैं छोटा बच्चा था तब से पार्ले जी बिक रहा है और आज भी वो बाकी जो बिस्किट ब्रांड्स उन्हें कड़ी टक्कर देता है। तो ये क्यों देता है, क्योंकि भाई उसमें मतलब रेगुलरली कंटिन्यूअसली उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं लेकिन जो मेन पार्ले का जो मेन कंटेंट है पार्ले जी बिस्किट का वो अभी भी मेंटेन्ड है। और इसी मेंटेनेंस की वजह से पार्ले जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी आज भी टिकी हुई है, वो बाहर नहीं निकली। ठीक। खासकर बिस्किट में। और तीसरा है वर्क प्लेस में इम्प्रूवमेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। वर्क प्लेस में वही है कि प्रॉपर वेंटिलेटेड हो और प्रॉपर कैफेटेरिया हो, रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी हो। और सबसे बड़ी चीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट ये हो सकता है कि हम बेटर इंस्ट्रूमेंट्स लाएं, बेटर मशीनरी लाएं और बेटर स्किल्ड लेबर पावर। ठीक है। तो अब चलते हैं अगले पे जो कि है 7 QC टूल्स यानी 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, उसको देखते हैं और फिर चलेंगे अगले पॉइंट पे। सेटिंग 7 QC टूल की बारी है। तो सबसे पहले इसके कुछ टेक्निकल वर्ड्स मैं आपको मार्क कर देता हूँ। सबसे पहला बेसिक टूल है, डेजिग्नेशन गिवन है और फिक्स सेट ऑफ ग्राफिकल टेक्निक्स है। ठीक। टू ट्रबल शूट प्रॉब्लम। और फिर है इनको बेसिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका यूज अगर कोई थोड़ी सी फॉर्मल ट्रेनिंग वाला बंदा भी है स्टैटिस्टिक्स में वो भी इन्हें यूज कर सकता है बड़े आराम से। और दूसरी चीज है कि दे कैन यूज टू सॉल्व द वास्ट मेजोरिटी ऑफ क्विकली रिलेटेड इश्यूज यानी क्विकली रिलेटेड एंड क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज। सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट द क्वालिटी, जस्ट होल्ड ऑन। तो दे कैन बी यूज टू सॉल्व द वास्ट मेजोरिटी ऑफ क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज। ठीक। अब मैं इसको समझाता हूँ। 7 क्वालिटी टूल्स, देखिए क्यूसी का मतलब है क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। क्वालिटी कंट्रोल टूल्स में मेन आपका आएगा कि आप किस तरीके से अपनी क्वालिटी और बेटर बना सकते हैं। ठीक है। और ज्यादा उसको हैपनिंग बना सकते हैं और ज्यादा उसको मतलब मार्केट में प्रॉमिसिंग बना सकते हैं कि लोग आपको जल्द से जल्द पसंद कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, अपनी लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट बना लें। ठीक है। ओवरऑल इट इज अ बेसिक टूल फॉर ऑफ क्वालिटी एज अ डेजिग्नेशन गिवन। डेजिग्नेशन का मतलब यहाँ पे कि हर एक जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन चार्ट है या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन टूल है उसको नाम दिया गया है, उस नाम के अकॉर्डिंग उसका इस्तेमाल किया जाता है यानी हर एक का जो तरीका है यूज करने का वो अलग अलग है। ठीक। और सेपरेट के साथ साथ दूसरी चीज ये है कि उसके जो पैरामीटर्स हैं या एप्लीकेशन है जिसको हम लोग यूज भी कहते हैं नॉर्मल भाषा में वो भी अलग अलग है। ठीक। तो एंड फिक्स सेट ऑफ ग्राफिकल टेक्निक्स है फॉर ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट दे आर कॉल्ड बेसिक बिकॉज दे आर सुटेबल फॉर पीपल विद लिटिल फॉर्मल ट्रेनिंग इन स्टैटिस्टिक्स। कि बंदा अगर बहुत थोड़ी बहुत नॉलेज अगर स्टैटिस्टिक्स की है और फॉर्मल ट्रेनिंग है तो वो बंदा भी इसे बड़े आसानी से यूज कर सकता है। ठीक। फिर दे कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके सामने रख रहा हूँ उन लिस्ट के नाम जिनके थ्रू हमने ये देखा था, मतलब सॉरी जिनमें इन 7 QC टूल्स का नाम दिया हुआ है
और इनको मैं ग्राफिकली आपको किसी और लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास उनके ग्राफिकल प्रेजेंटेशनल फॉर्म नहीं है मेरे पास। तो फिलहाल आप देखिए उनके नाम कि इनके क्या क्या नाम है और किस तरीके से वो यूज किए गए। आपके सामने रखा है उन 60 टूल्स के नाम। एक्चुअली सिर्फ नाम बताना ही काफी नहीं है, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने इन टूल्स के एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी सामने लेके आऊं। फिलहाल इनके नाम देखते हैं। चेक शीट, कंट्रोल चार्ट, स्टैटिफिकेशन, पेरेटो चार्ट, हिस्टोग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्कैटर डायग्राम। इनके कुछ इनमें से कुछ के बारे में मैं जानता हूँ। जैसे चेक शीट में मेन क्या है कि आपका जो काम है एक स्टैंडर्ड शीट बना ली जाती है। स्टैंडर्ड शीट के बाद आपको काम दिया जाता है, फिर उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को उस चेक शीट से मेजर किया जाता है कि आपने एग्जैक्टली उस चेक शीट पे जो मेंशन्ड स्टैंडर्ड थे उसको मीट मतलब उसको मैचअप किया कि नहीं किया। अगर कर लिया है तो ओके, नहीं किया है तो जितने भी इम्प्रूवमेंट चाहिए हम उसको जो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल शीट है। कंट्रोल शीट में मेन है कि आपके कितना बनना है, क्या बनना है, इसके बारे में पूरी डिटेल होती है और उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है कि हाँ अगर हमको हर घंटे 10 यूनिट चाहिए तो हम 10 यूनिट वाला ही प्रोग्राम प्रोड्यूस करेंगे, ना कि 20 यूनिट वाला। ठीक, सर्टिफिकेशन को हम लोग तरीके से कह सकते हैं लेवल फिक्सेशन। सर्टिफाई का मतलब होता है लेवलाइज करना। ठीक, फ्लो चार्ट आपने पढ़ा होगा। फ्लो चार्ट मेन होता क्या है कि हम ऊपर से नीचे आते हैं, उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हुए नीचे चले चले आते हैं, और वही एक तरीका है हर एक लेवल पे कंट्रोल करने का। ठीक है, चौथा है पैटर्न चार्ट। इसके बारे में मैं कुछ खास नहीं जानता, इनफैक्ट सिर्फ नाम सुना हुआ है, तो मैं इसके बारे में आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। हिस्टोग्राम है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है। कॉज एंड इफेक्ट का मेन मतलब है कि आपका क्या कॉज था, मतलब किस चीज की वजह से वो चीज हुई और उसके पीछे उसके एग्जैक्टली यानी उस पर्टिकुलर मिसहैपनिंग को होने के बाद उसका इफेक्ट क्या पड़ा, वो दोनों इन दोनों चीजों को एक डायग्राम के थ्रू समझाया जाता है। ठीक है, और लास्ट है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम कुछ डॉटेड करके होते हैं जिसके थ्रू आपकी कंट्रोलिंग टेक्निक देखी जाती है। ठीक, ये एक्चुअली बार पे भी इस्तेमाल, मतलब जो बार डायग्राम्स होते हैं उन पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपके सामने रखता हूँ अगला पॉइंट है, वो है ISO 9000 रेशियो 2000, जो कि एक स्टैंडर्डाइजेशन है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का किसी कंट्री का, उसके बारे में जानते हैं और फिर मिलेंगे अगले पॉइंट। ठीक है, बात करते हैं ISO 9000-2000 क्लॉजेस की। मेन है कि इससे पहले कि हम इसे क्लॉजेस के बारे में पढ़ें, आइए मेन बात करते हैं। सबसे पहले ISO है क्या ये जानते हैं, वो कैसे काम करता है, उसके क्या कितने मेंबर्स हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, सबसे पहले ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ लिखा भी है। ठीक, ये एक स्पेशलाइज्ड इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका काम है स्टैंडर्डाइजेशन करना किसका, सिस्टम का, और फिर सर्टिफिकेशन देना। यानी पहले तो उसका मेजरमेंट करना कि किस स्टैंडर्ड का है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उस अकॉर्डिंग वो मैचअप कर रहा है कि नहीं, और जब मैचअप कर जाता है तो ये जो ISO है ये एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है उस पर्टिकुलर कंट्री की कंपनी को या कंट्री को खुद को करके, तब जो आगे बढ़ाता है। आपने जनरली नोटिस किया होगा कि आप जो कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसको कहते हैं, उस पर लिखा होता है ISO 9000-2000 द्वारा प्रमाणित, तो सर्टिफाइड। सर्टिफाइड का मतलब है कि उन्होंने प्रॉपर उसकी क्वालिटी चेक किया हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल किया, खासकर चेक क्वालिटी चेक करने के बाद वो इस सर्टिफिकेट को अलॉट करते हैं। ठीक, तो मेन चीज क्या है, अगर आप ISO 9000-2000 सर्टिफाइड कोई प्रोडक्ट या सर्विस यूज करते हैं तो उसका मतलब है कि वो बेस्ट है, उससे आपको नुकसान नहीं होना, आपने जो पेमेंट किया उसके लिए वो बेस्ट है। ठीक है, और फिर है ISO इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई सरकारी मतलब कहते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सेल्फ ऑटोनॉमस यानी सेल्फ है ऑटोनॉमस टाइप के, इसे NGO भी कहते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है NGO। तो ये एक रजिस्ट्रेशन तो गवर्नमेंट से ही होता है, लेकिन नॉन इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक है, एंड रिप्रेजेंट्स अ नेटवर्क ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 150 कंट्रीज, वन मेंबर पर कंट्री। ठीक, मेन है कि ISO में कम से कम 150 कंट्रीज एज अ मेंबर उसमें पार्टिसिपेट करती है, यानी हर कंट्री से एक मेंबर। ठीक है, और फिर है ये इंडिया, ये पूरे ये लार्जेस्ट डेवलपर है किसका, स्टैंडर्ड्स का ऑफ अलग अलग टाइप्स के, और 1 फरवरी 1947 को इसको बनाया गया था। ठीक, यानी हमारी हमें आजादी कब मिली है, 15 अगस्त 1947 को, यानी अगस्त के पहले
15 अगस्त के पहले ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको बना दिया गया था, ठीक है। और फिर हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसी ISO का एक पार्ट है, क्योंकि मैंने कहा था कि हर कंट्री से एक सिंगल मेंबर आता है, तो यही मेंबरशिप यहाँ पे है कि BIS जो है वो ISO का एक परमानेंट मेंबर है इन्हीं 150 मेंबर कंट्रीज में से, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे कि ISO 9000 क्या है, 2000 क्या है और इसकी क्लॉजेस क्या है। चलिए ISO 9000 की बात करते हैं। सबसे पहला ये इट इज अ सीरीज ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, हम लोग पहली बात कर चुके हैं, और ये एज अ गाइडेंस यानी गाइडिंग प्रिंसिपल सर्व करता है किसको, सप्लायर्स एंड परचेजर्स को, यानी जो जो सप्लाई कर रहे हैं यानी वेंडर और परचेजर को, मेन किस चीज के लिए, अबाउट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ क्वालिटी सिस्टम, ठीक। मैंने पहले कहा था कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब सेल परचेजिंग होती है तो उसमें ISO 9000-2000 सर्टिफाइड का सिंबल हम लोग जरूर देखते हैं, यानी सप्लायर यानी जो वेंडर है और परचेजर है वो दोनों इसको देखते हैं और तभी इसको खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है। दूसरा है हमारे देश का एक कंपनी है रैली वुल्फ, इंडिया की है, जो कि पहली कंपनी बनी जिसको ISO 9000 सर्टिफाइड मतलब सर्टिफिकेट जो मिला 88 में बाय BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के थ्रू। रैली वुल्फ इकलौती कंपनी है जिसको ISO 9000 सर्टिफिकेट दिया गया, ठीक है। और ये रैली वुल्फ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने की कंपनी है जिसमें आपके ये ड्रिलिंग मशीन और कटिंग मशीन इस तरह की चीजें बनाई जाती है, ठीक है। आइए बात करते हैं ISO 2000 की और फिर चलेंगे इसके क्लॉजेस पे। चलिए ISO 2000 की बात करते हैं। ये एक ऐसा क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड है जिसको 1997 में अडॉप्ट किया गया था, और किसने अडॉप्ट किया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। और अब आगे बात करते हैं मेन जो हमारा मेन टॉपिक और एरिया कंसर्न था वो है क्लॉजेस है ISO 9000 2000 के, आइए इनके बारे में बात करते हैं। मैंने यहाँ दो लिख रखे हैं, दो अभी और हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो मेन काम है वो ये है एंश्योर करना कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बने, किस सेंस में, क्वालिटी मैनेजमेंट के सेंस में, ठीक। आई चीज और ये एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए, फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी इन एवरी स्फीयर ऑफ एक्टिविटी। कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का मेन काम है कि वो आपके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज को इंश्योर करे, किसके लिए, फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। और दूसरी चीज की एक चीज और, फ्रेमवर्क भी बनाता है कि हमें कितनी क्वालिटी मेंटेन करनी है, कितना स्टैंडर्ड रखना है क्वालिटी का, उस चीज को भी ये इंश्योर करता है। और किस चीज में, हर एक्टिविटी के, यानी हर एक डायमेंशन ऑफ एक्टिविटी में, किसी भी एक्टिविटी को ये छोड़ता नहीं है, ठीक है। सेकेंड, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द टॉप मैनेजमेंट कंडक्ट, सबसे पहले बात मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या आता है ये देखिए, द टॉप मैनेजमेंट कंडक्ट मैनेजमेंट रिव्यूज, ठीक, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मैनेजमेंट डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर एंड टेक appropriate measures to satisfy these, ठीक है। यानी मेन कहने का मतलब सिर्फ इतना कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एक रिव्यूज कंडक्ट करती है और उन रिव्यूज के थ्रू कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती है और जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल करने के लिए भी ये एडिक्वेट स्ट्रेटजीज और एक्शन प्लान्स बनाता है, ठीक है। अगले दो के बारे में बात करते हैं, स्टेडियम आपकी दो आपके सामने रख रहा हूँ, पहला है उसका, तीसरा है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट से मतलब है ओवरऑल रिसोर्स मैनेजमेंट से, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, मशीनरी हो, लूज टूल्स हो, या ह्यूमन पावर खुद में अपने में, ठीक। ओवरऑल क्या है, रिसोर्स रिक्वायर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड डिटरमाइन एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट मेंटेन एंड इम्प्रूव द QMS। QMS का मतलब है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। भाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम तभी तो सुधरेगा ना जब उसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज होंगे, और इन रिसोर्सेज में आपके जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज है वो तो है ही है, लेकिन लिविंग रिसोर्सेज का भी मेंटेनेंस उतना ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है, अंडर दिस ह्यूमन रिसोर्सेज इज ऑल्सो एरिया ऑफ कंसर्न, बिकॉज ह्यूमन एरिया को इसलिए एरिया ऑफ कंसर्न रखा है क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, ये तीनों चीजें ही प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी ड्यूरेबिलिटी पे बहुत ज्यादा असर डालती है। क्योंकि अगर बंदा प्रॉपर स्किल्ड नहीं होगा, क्वालिफाइड नहीं होगा और एक्सपीरियंस नहीं होगा
तो जाहिर सी बात है कि वो आपके स्टैंडर्ड्स को मीट आउट नहीं कर पाएगा क्योंकि आप चाहते हैं, ठीक है। और लास्ट है प्रोडक्ट रियलाइजेशन। प्रोडक्ट रियलाइजेशन का मतलब है कि सारी चीजों करने के बाद जब आप फाइनली एक फिजिकल फॉर्म में प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो वहां पे अगर आपके पास ये सारी चीजें प्रॉपरली नहीं होंगी तो इट डिमांड्स फॉर प्लानिंग एंड डेवलपिंग प्रोसेसेस फॉर प्रोडक्ट रियलाइजेशन। मीन क्या है, प्लानिंग भी करता है और डेवलपिंग करता है किस चीज के लिए, प्रोडक्ट रियलाइजेशन के लिए। और डिमांड किस चीज की है, मेन प्रॉपर प्लानिंग, और दूसरा है डेवलपिंग प्रोसेसेस फॉर प्रोडक्ट रियलाइजेशन, एंड लास्ट इज एंड मेंटेनिंग द रेलेवेंट रिकॉर्ड्स। रेलेवेंट रिकॉर्ड्स का मतलब है कि हमने कितना बनाया, क्या बनाया, इस चीज को भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, और किस क्वालिटी लेवल का बनाया था इसको भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक। तो आज मैं इतने पे ही रोक रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। मिलेंगे अगले एक वीडियो कंटेंट से जिसमें होगा आपका सिक्स सिग्मा और टोटल प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस। तो मिलेंगे अगले वीडियो में दो कंटेंट्स के साथ, और उसके साथ ही आपका सिलेबस भी हो जाएगा खत्म। तो इस वीडियो को देखिए, समझिए, अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो क्लास में पोस्ट कर देना यार, और प्लीज इस चैनल को और आगे बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो, ताकि मेरी हेल्प में देश के कोने कोने तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।